सो हे गाइस वेलकम टू अनदर सोलो कॉन कर रैंक पुश वीडियो अप करता हूँ। आप सभी लोग मस्त होंगे और आप लोगों भी रैंक पुश मस्त चल रहा होगा। तो गाइस अगर आप एसीआईएस मास्टर पर अभी भी फंसे हुए और आपको लग रहा है आपका कॉन्करर होगा या नहीं होगा तो गाइस ये वाली वीडियो एंड तक जरूर देखना। और गाइस आपका कॉन्करर अभी अगर आप लोग फुल ट्राई कर रहे हो कॉन्कर करने का ना तो गाइस जरूर होगा। आपका कॉन्करर अभी भी कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि अभी भी सीज़न एंड होने में 19-20 दिन बचे हुए हैं। तो गाइस इतने दिन बहुत होते हैं। अगर आप अभी मतलब डायमंड से भी अगर लगाना चाहो तो भी डायमंड से भी कॉन्कर लग जाता है। फिर भी अगर आप अभी एसीआईएस मास्टर पे हो तो भी आपका इजी कॉन्कर लग जाएगा। तो गाइस इस बंदे को मैं यहाँ पे डासिया से सीट चेंज करके अच्छा खासा डैमेज चिपका देता हूँ। फिर मुझे लगाते हैं बंदा आई थिंक निकल जाएगा। मुझे नहीं पता था इसकी बग्गी का टायर फूट गया। बड़े बंदा धीरे धीरे जाने लगता है तो मैं इसको डीपी का स्प्रे देता हूँ और ये बंदा किल हो जाता है। और गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। और गाइस बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर कर लेना ताकि कॉन्कर के गेम प्ले आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। और गाइस एक छोटी सी हेल्प करना, अगर आपके जानकार में कोई ट्रस्टेड आईडी सेलर हो तो मेरे को ज़रूर बताना क्योंकि मेरे को एक आईडी बाय करने का है। अगर आपके कांटेक्ट में कोई हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, मेरे से वहाँ पे कांटेक्ट कर लेना। अगर आपके ट्रस्ट में कोई हो जो ट्रस्टेड बंदा हो तो मेरे को उसका लिंक या फिर जो भी कुछ हो तो बताना ज़रूर। तो गाइस मैं इधर से जोन में जाने लगता हूँ। मेरे को मेरे साइड से एक बग्गी का रोटेशन रहा था तो मैं वहाँ से लेफ्ट मोड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे लगा था बंदा शायद सीट चेंज करके मेरे को मारने का ट्राई कर सकता है। और इतने मेरे साइड से एक ट्रिपल का रोटेशन डाल दे तो इसका किल तो अपन मिस नहीं कर सकते थे, तो इसको तो अपन उतर के इजी किल कर देते हैं। तो गाइस मैं इधर जोन के सेंटर में स्नाइपर टावर पर आता हूँ तो इस स्नाइपर टावर पे कुछ भी नहीं लग रखा था, गाड़ी वगैरह, बट इसके ऊपर जो था बंदा रहता है। देखो मैप में फुटस्टेप्स आ ही गया है तो मेरे को पता चल गया था ऊपर बंदा है, ठीक है। और गाइस देखो अभी इसे जस्ट कैसे किल करते हैं, मेरे पे यहाँ पे ग्रेनेड नहीं था तो मैं ऐसे ही जस्ट ऊपर स्मोक डाल देता। मेरे को लगा था क्या पता है बंदा डर के नीचे कूद जाए और अपन इसे इजी किल कर सकते हैं। और यहाँ पर वो बंदा कुछ भी नहीं करता, आराम से ऊपर लेटा रहता है। और गाइस देखो जस्ट इसे अभी यहाँ पे कैसे किल करते हैं। तो गाइस जैसे मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आता हूँ राइट वाला जो शैक वाला बंदा था वो भी आई थिंक किसी को मारने का ट्राई कर रहा था। मैंने सोचा इतने वो बंदा मेरे को यहाँ पे सीढ़ियों पे स्पॉट करे और मेरे को किल करे उससे पहले अपन स्नाइपर टावर के ऊपर चढ़ के इसको किल कर देते हैं। और गाइस मैं जस्ट फ्री फायर लेकर घुसता हूँ तो ये बंदा इधर ही लेटा हुआ था तो अपन इसे यहाँ पे इजी किल कर देते हैं और अपन इस स्नाइपर टावर वाले को स्पॉट करते हैं। अगर ये बंदा अगर पीक वीक लिया तो ऐसा डीपी का बस्ट मारेंगे कि ये बंदा सीधा लॉबी पहुँच जाएगा। तो गाइस इस सामने वाले बंदे को मैं इतना ही डैमेज देता हूँ ना, इस बंदे को हेड भी पड़ता है और बॉडी भी पड़ता है, बट ये बंदा पेड़ के कवर में चला जाता है। और इस बंदे को ऊपर से एक स्कार वाला बंदा किल कर देता जो कि जोन के बाहर था। मुझे लगा था वो बंदा इधर आके रुकेगा बट वो बंदा इधर से अपनी बग्गी नीचे की साइड ले जाता है। अगर वो यहाँ पे रुकता तो अपने को तो उससे फाइट निकालनी पड़ती और हो सकता है आप उनसे किल भी कर देते क्योंकि वो जोन के बाहर से आ रहा था तो डैमेज तो होता ही होता। बट ये मेरे को यहाँ पे पेटी वगैरह भी मिल जाती है लूटने के लिए और फिलहाल के लिए तो पोजीशन मिल ही जाती है। और गाइस देखो अभी यहाँ से जोन में कैसे निकलते हैं, अब यहाँ से जोन पूरा आगे की साइड है तो अपन पूरा रिच लेकर ही। तो गाइस मैं इधर जोन के एच पे आके एक पोजीशन लेता हूँ पत्थर पर, बट मेरे बैक साइड वाले पत्थर पे एक बंदा लेटा हुआ था और स्मोक हो रखा था। मुझे लगा ही था बंदा हो सकता है तो ये बंदा अपने को बैक साइड से मारने का ट्राई करता है बट अपन इसे इजी किल कर देते हैं।
और मेरे को यहाँ पे सामने की साइड एक बंदा स्पॉट होता है, जैसे मैं उस पर स्प्रे लेने का ट्राई करता हूँ वैसे उस बंदे को कोई थर्ड पार्टी से किल कर देता है। वैसे थर्ड पार्टी मैं ही कर रहा था, उन दोनों की फाइट चल रही थी, ठीक है। और वो बंदा भी मेरे को स्पॉट होता है, तो वो बंदा भी यहाँ पे कवर में पहुंच जाता है। और गाइस देखो जस्ट यहाँ पे दो ही बंदे अलाइव है, एक बंदा आई थिंक मेरे पीछे की साइड होगा और एक बंदे की तो लोकेशन अपने को पता ही है, सामने पत्थर पर है। और गाइस देखो अभी चिकन डिनर अपन कैसे निकालते हैं। और गाइस इस टाइम की जो लॉबीज है बिल्कुल भी हार्ड नहीं आ रही है, एकदम लो लेवल ही लॉबीज आ रही है, क्योंकि इस टाइम सबका कॉन्कर हो चुका है। और गाइस जो नया नया ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, उन्हीं का आई थिंक बचा हुआ होगा कॉन्कर। तो गाइस इस टाइम तक वही रैंक पुश करते हैं। और इस टाइम अगर आप किसी भी टाइम खेलोगे तो हर टाइम ही लो लॉबी खेलने को मिलती है, तुम इजी चिकन और इजी टॉप 10 निकाल सकते हो, जिसमें तुम हर मैच में प्लस निकाल सकते हो। दो तीन जोन तुम जोन के बाहर भी खेलोगे ना तो भी तुम्हारा, जोन में एंटर करोगे एजेज भी खेलोगे तो भी तुम्हारा टॉप 10 इजी निकल जाएगा, ठीक है। तो गाइस सामने वाले बंदे मैं हार्ड स्कोप इन करके बैठा रहता हूँ, तो ये बंदा मेरे को यहाँ पे एक एच पी कर देता है और अभी वो मेरे पे सीधा क्लोज इन डालने के लिए आ जाता है। गाइस देखो अभी इसे कैसे किल करते हैं। तो गाइस ये बंदा MG3 लेके अपने पे ओपन पोस्ट डालने के लिए आ रहा था और अपन इस बंदे को इजी किल कर देते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा लाइव था, तो मैंने सोचा इस बंदे को चलते हैं बग्गी लेकर ढूंढते हैं और जहाँ पर भी स्पॉट होगा इस बंदे को इजी किल कर देंगे। और गाइस देखो जस्ट ये बंदा अपने को कहाँ पर मिलता है, मेरे को लगाते बंदा स्नैपर टावर पे होगा, बट ये बंदा स्नैपर टावर पे नहीं रहता, ये बंदा ओपन में लेटा हुआ रहता है। तो ये बंदा यहाँ पर MK से फुल चोक वाला स्प्रे मारता है और अपने को एक दो गोली टच हो पाती है, बट इस बंदे को अपन बग्गी से उतर के इजी किल कर देते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस एक ही गेम था, क्योंकि गाइस मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, गेम प्ले तो बहुत सारे एडिट करने के लिए बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं एक ही गेम प्ले एडिट करके डाल रहा हूं। और गाइस वो भी इसलिए डाल रहा हूं ना क्योंकि गाइस वो जो चेन चल रहे ना वो मैं ब्रेक करने जाता, क्योंकि मैंने day 1 से day 43 तक डेली वीडियोस दिया और मैं ये डे मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने एक गेम प्ले एडिट करके डालने का सोचा। तो गाइस आप समझ रहे होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस मिलता है ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।